ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा पर गए स्टूडेंट्स के लिए कोर्स चेंज करना, एजुकेशनल प्रोवाइडर चेंज करना एक आम सी बात थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन की अपडेट से किन चेंज करने वाले स्टूडेंट्स का वीज़ा कैंसिल हो सकता है उसको बहुत ही ध्यान से आज इस वीडियो में स्टडी करेंगे। सो एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, मैं प्रोफेसर रोहित गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ स्पेक्ट्रम ओवरसीज जालंधर, लगातार ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूएसए की स्टडी वीज़ा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा स्पेक्ट्रम ओवरसीज़ के साथ अप्लाई करते हुए आपको ऑप्शन मिलती है ऑल फीस आफ्टर वीज़ा की। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा के रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने अपडेट्स दी। उन अपडेट्स के अकॉर्डिंग वो अपडेट्स किस लिए आई, वो अपडेट्स उन स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट है जो वहाँ पहुँच गए हैं, जिनके पास वीज़ा है और वो वहाँ जाके अपना कॉलेज या कोर्स, यूनिवर्सिटी या कोर्स चेंज कर रहे हैं। तो न्यू अपडेट्स के अकॉर्डिंग अगर आप अपना कॉलेज या कोर्स चेंज करते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्टूडेंट वीज़ा कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको अपने रजिस्टर्ड कोर्स में एनरोलमेंट जो है वो मेंटेन रखनी पड़ेगी। वो जो रजिस्टर्ड कोर्स है वो अगर आप चेंज भी करते हैं, दैट रजिस्टर्ड कोर्स मस्ट बी ऑफ द सेम लेवल। दैट मीन्स अगर कोई बच्चा बैचलर डिग्री पे गया है तो वो अगर कोर्स चेंज भी करता है, एजुकेशन प्रोवाइडर चेंज भी करता है, तो उसका नया कोर्स भी बैचलर लेवल का होना चाहिए या फिर बैचलर से हायर लेवल का, राइट? तो दैट मीन्स आप सेम एजुकेशन प्रोवाइडर में, दैट मीन्स कोई अगर कर्टन यूनिवर्सिटी में गया स्टूडेंट, वो कर्टन यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में गया था तो वो चेंज करके बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ले सकता है। ये सेम लेवल का कोर्स है तो ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में ये सेम लेवल का कोर्स आएगा। बट अगर आप कर्टन यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में गए और आप किसी और कॉलेज में डिप्लोमा का कोर्स ज्वाइन कर लेते हो, डिप्लोमा प्लस एडवांस डिप्लोमा का कोर्स ज्वाइन कर लेते हो, तो आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है। तो आपको न्यू स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, अब अगर आप सेम लेवल पे या हायर लेवल पे चेंज करते भी हैं तो उसके अंडर क्या रूल्स हैं। अगर आप कर्टन यूनिवर्सिटी को छोड़ के, मान लो आप सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में बैचलर टू बैचलर चेंज कर रहे हैं, तो न्यू एजुकेशन प्रोवाइडर आप तभी ले सकते हैं अगर आपने जो आपका प्राइमरी कोर्स था जो पुराने एजुकेशन प्रोवाइडर के पास था, अगर उसमें आपने 6 मंथ्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर 6 मंथ्स भी नहीं कंप्लीट किए, उससे पहले ही आप अपना कोर्स चेंज करना चाहते हैं जो कि सेम लेवल का है और दूसरे एजुकेशन प्रोवाइडर के पास है, तो आपको दूसरे एजुकेशन प्रोवाइडर से ऑफर लेटर लेना होगा और वो ऑफर लेटर दिखा के अपने पुराने एजुकेशन प्रोवाइडर से एक रिलीज लेटर लेना होगा जो कि उस एजुकेशनल प्रोवाइडर की मर्जी पे डिपेंड होगा कि वो 6 महीने से पहले आपको रिलीज लेटर दे या ना दे, जो कि कम ही चांसेस हैं कि आपको पुराने एजुकेशन प्रोवाइडर से रिलीज लेटर मिले 6 महीने कंप्लीट होने से पहले। तो कुछ और एग्जांपल मैं इसमें देना चाहूँगा। अगर कोई स्टूडेंट जैसे डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा का पैकेज ऑफ़र, डिप्लोमा एंड एडवांस डिप्लोमा का पैकेज ऑफ़र यहाँ से लेके जाता है, तो वो सर्टिफिकेट 4 लेवल वहाँ जाके ज्वाइन कर लेता है, चेंज कर लेता है सर्टिफिकेट 4 लेवल पे, तो ये उसका लेवल फिर डाउनग्रेड हो गया तो उसका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। अगर डिप्लोमा प्लस एडवांस डिप्लोमा लेके गया था और चेंज करके एलई कोर्स में आ गया, एलई कोर्स फिर एक डाउन लेवल का कोर्स है, तो दैट मींस फिर उसका वीज़ा कैंसिल हो सकता है। सो इसमें एक ही एक्सेप्शन है
कि अगर कोई पीएचडी करने गया है स्टूडेंट, अगर वो अपना कोर्स चेंज करके मास्टर्स लेवल कर लेता है, डाउनग्रेड भी कर लेता है अपना कोर्स, तो उसका वीज़ा कैंसिल नहीं होगा। सिर्फ इसमें यही एक्सेप्शन दी है ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने। सो दीज आर द अपडेट्स रिगार्डिंग चेंजिंग कोर्स एंड चेंजिंग एजुकेशन प्रोवाइडर इन ऑस्ट्रेलिया आफ्टर रीचिंग ऑस्ट्रेलिया फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और हमारे ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट काउंसलर से बात करने के लिए 9855-98585 पर ज़रूर कॉल करें। थैंक यू सो मच।